कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम, हर एग्जाम में आता है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे एमसीक्यू वाला है, चाहे रिटर्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बात करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो इंटीग्रेशन अभी तक आप पढ़े हो उसमें, मतलब जो रियल के केस में, और अभी जो कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन आप पढ़ने जा रहे हो उसमें अंतर क्या है, है ना, क्या आपको डिफरेंस दिखाई देने को मिलेगा। लगभग चीज़ें सेम होंगी पर फिर भी कुछ तो अंतर होगा जरूर। अब क्या अंतर था समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि रियल एनालिसिस में, अगर हम रियल एनालिसिस में बात करें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, तो उसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस दिखाएं, और मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन, मान लीजिए इस तरीके से कोई हमारा फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, है ना, इस तरीके से। अब ये एक्स की लिमिट है, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, तो अब एक्स की लिमिट मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए कुछ कहीं ना कहीं होगा यहीं पे, और बी भी कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो आप एफ एक्स डी एक्स निकालते हो ना, एक्चुअल में आप करते क्या हो, ऐसे ये आपका पूरा, आप ये जो पूरा पूरा ये चीज निकालते हो, एक्चुअल में आप ये एरिया निकालते हो, आप ये एरिया निकालते, बस ना, ये पूरा एरिया आप निकालते हो। इसमें अगर पहले तो यहाँ जो डी एक्स है ना, इसे इसको हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीट में से डिवाइड कर देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीट में से डिवाइड कर देते हैं, और एक स्ट्रीट का जो ब्रिथ होता है ना, इस तरह से इसको डी एक्स मान लेते हैं ऐसे करके, और ये जो पूरा आपका यह होता है इसको बोलते हैं वाई, तो इसका जो एरिया होगा वो वाई डी एक्स हो जाता है, मतलब वाई डी एक्स मतलब एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, और जब उसको ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं पूरा एरिया निकल जाता है। तो एक्चुअल में रियल में ये चीज़ें होती है ना, और मेन से फोकस ये करना है कि रियल में जो ए और बी आपने जो लिमिट जो आपने लिया है ए से बी, वो रियल एक्सिस पे है, बस में यहाँ पर रियल लाइन, वो रियल लाइन पर है, बस मान लीजिए रियल लाइन पर, और आपके पास फिक्स है, है ना, आप ए टू बी पर, अगर ए से बी तक आप जाएंगे तो आपके पास एक ही रास्ता है, यहाँ पे एक ही रास्ता आपके पास है, बस मान ली। लेकिन जब बात आप इसी यही बात आप जब कॉम्प्लेक्स में करने जाते हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा सा समझ लो चीज़ों को, और उसके बाद आपको कुछ विशेष नहीं करना है, क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, बहुत ईजिली आप कर लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में समझिएगा, यहाँ पे यहाँ पे वही हाल होता है, यहाँ पे एक्स वाई रहता है, लेकिन इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये हमारा होता है इमेजिनरी एक्सिस, है ना, इमेजिनरी एक्सिस ये होता है आपका। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाले में आप ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन जेड वन टू जेड टू एफ जेड डी जेड, हमारी इंटीग्रेशन जेड वन टू जेड टू एफ जेड डी जेड, मतलब लिखने का तरीका यह है इस तरीके से, रियल में ऐसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिखेंगे। रियल में आपके पास ऐसे लिमिट आपका होगा, जो लिमिट होगा रियल लाइन पे होगा, अब कॉम्प्लेक्स में जो लिमिट होगा इस तरह से जेड वन जेड टू के फॉर्म में इस तरीके से। तो जेड वन जेड टू क्या है, तो जेड वन जब भी होगा कहीं यहाँ पे होगा, है ना, इन जनरल जेड वन, और ऐसे कहीं जेड टू भी होगा। अभी यहाँ पे जो ए और बी है वो फिक्स था, एक रियल लाइन पे दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ जो जेड वन जेड टू प्लेन में आपको दिखाई देने वाला है वो यहाँ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल आप कहाँ दिखाएंगे, प्लेन, क्योंकि आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं इन द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ आर्डर पेयर, आर्डर पेयर के फॉर्म में प्लेन में आप दिखाओगे, बात समझ मारी है ना। अगर आप यहाँ पे दिखा दोगे तब तो एक पॉइंट ही हो जाएगा और रियल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब यह है कि वाई की वैल्यू जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो, प्योर प्योरली रियल हो जाएगा, वो तो रियल की बात हो जाएगी। तो जब भी कॉम्प्लेक्स को दिखाना है एक्चुअल में तो उसको प्लेन में ही दिखाओगे, प्लेन में दिखाओगे तब एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का मतलब निकल के आएगा। आप यहाँ पे दिखाओगे तो कोई मतलब थोड़ी हो, तो रियल में ही काउंट कर लिया जाएगा, बस हमारी। तो आप ऐसे दिखाओगे, अब देखो यहाँ पर ए से बी तक जाने के पास लिए आपके पास एक ही वे है, एक ही रास्ता है, फ्रॉम ए टू बी अगर आपको जाना है तो पास एक ही रास्ता है, लेकिन यहाँ पर जेड वन से जेड टू जाना है, है ना, आपके पास इनफाइनाइट वे है पहुंचने के, बात समझ आ रही है। आप डायरेक्ट ऐसे ही पहुंच सकते हो, ऐसे ही पहुंच सकते हो, ऐसे ही पहुंच सकते हो, ऐसे कैसे भी, क्या जैसे उसे पहुंच जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे जा रहे हो, बात समझ आई, आपके पास इनफाइनाइट वे है, ठीक है। और यही जो है इसको इससे डिफर करता है, यहाँ पर इसका मतलब एरिया नहीं होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब एरिया नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब फिक्स एरिया होता है,
बस में यहाँ एरिया नहीं होता है, यहाँ कहाँ एरिया निकल के आ रहा है, कुछ आ रहा है, यहाँ एरिया की बात ही नहीं आने वाली आपको, बस में मारी है ना, यहाँ कोई एरिया निकल के नहीं आने वाला है। हाँ, अब यहाँ लेकिन एरिया ये बोलो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये कोई ना कोई वैल्यू आएगी बट वो एरिया रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बस मारिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लिमिट ए टू बी होता है उसके लिए आपके पास एक ही वे होता है, एक ही रास्ता होता है ना, ए से बी है ना, इसीलिए देखो यहाँ पे एरिया हम निकाल लेते हैं आसानी से, क्योंकि हमारे पास फिक्स एकदम लाइन है, हमको लाइन पे ही रहना है, ए से बी तक जाना है, रियल लाइन पे जाना है। लेकिन यहाँ पे जेड वन से जेड टू से दो पॉइंट जो जिस जेड वन से जेड टू तक इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, तो जेड वन से जेड टू तक जाने के बाद हमारे पास कई रास्ते हो जाएंगे, कई रास्ते होंगे, इसीलिए आप जब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन देखोगे ना तो ए तो दिया ही रहेगा, साथ ही साथ आपको पाथ भी दिया रहेगा कि किस पाथ के नाम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, 100% पाथ दिया, इसमें पाथ नहीं देता कुछ, देखिए इसमें पाथ दिया जाएगा, ये पूरा दिया जाएगा, साथ साथ बोलेगा अलॉन्ग द पाथ दिस, इस पाथ के अलॉन्ग आप इसको इंटीग्रेट कर, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट आप जेड वन टू जेड टू इंटीग्रेट करने जा रहे हो उस जेड वन से जेड टू तक पहुंचने के लिए आपके पास इनफाइनाइट वे है, मतलब सब अलग अलग इनफाइनाइट तरीके से आप वहां पहुंच सकते हो। तब प्रश्न होता है कि किस तरीके से जाएं, आप किस रास्ते से जाएं, तो रास्ता खुद बताएगा कि नहीं आप इस रास्ते से जाकर इंटीग्रेट करिए। तो ये सब यहाँ के सवाल में, यहाँ सवाल में ये अंतर होगा, यहाँ सवाल डायरेक्ट दे देगा, फंक्शन दे देगा, लिमिट दे देगा, बोलेगा इंटीग्रेट करो, लेकिन यहाँ पे फंक्शन दे देगा, लिमिट दे देगा, फिर बोलेगा कि इसको इंटीग्रेट करो अलॉन्ग दिस पाथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट पाथ है वहां जेड वन से जेड टू तक पहुंचने के लिए, नहीं यहाँ पे ए से बी तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये अंतर आप समझिएगा। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन देगा है ना, तो आपको इसी तरीके से देगा जेड वन टू जेड टू के रूप में, लेकिन आपको पाथ जरूर बोलेगा कि आपको इस पाथ के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना है, बात समझ में आ रही है। तो जब भी पाथ देगा कुछ ऐसा देगा वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसे करके आपको पाथ देगा। तो उस पाथ के हेल्प से आप क्या करोगे, आप जो फंक्शन या जेड है जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, उसे आप या तो एक्स में या तो वाई में क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, मतलब उसे ले आकर आप रियल के ही में जगह सॉल्व करोगे, उसे कन्वर्ट कर लोगे, या तो एक्स को वाई में कन्वर्ट कर दोगे, रख दोगे वहां पे, या वाई को एक्स में रख दोगे और रख के आप लिमिट को भी कन्वर्ट करके चेंज करके फिर रियल की तरह ही सॉल्व करोगे, बात समझ में आ रही है। ये तरीका होता है, यही आपको कुछ अंतर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। जैसे मैं सामान्य ये तो क्वेश्चन ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, उसको आप जान लीजिए, लेकिन ये मेन नहीं होगा, आपसे एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि इसको आप इंटीग्रेट करो, इसके बाद बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, मेन जो क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे आएगा, ऐसे ही देगा क्वेश्चन, लेकिन वो सिंगुलरिटी से रिलेटेड होगा, तो कुछ थ्योरम पे बेस्ड होंगे, जैसे कॉची थ्योरम है ना, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, जैसे भी आप लोग दे के आए हैं सीयूटी वाला एग्जाम उस दिन बताए ही थे, वैसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा भी यहाँ पे है ना, आपको जब देगा तो आपको देगा कि किस कर्व के अलॉन्ग ठीक है, और किस रीजन में आपको इसको इंटीग्रेट करना है, सब कुछ देगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन रिजल्ट निकल के आपको आएंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं आपके सामने, लिखे क्वेश्चन ठीक है। तो ये अंतर समझिएगा कि यहाँ पे रियल में एरिया होता है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स में कोई एरिया वाली बात नहीं होती है यहाँ पे, और यहाँ पे रियल में कोई पाथ नहीं देगा, कोई मतलब नहीं उस पाथ है, कि हमारे पास एक ही पाथ होता है ए से बी तक पहुंचने के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जब भी इंटीग्रेशन देगा तो आपको बोलेगा कि अलॉन्ग दिस पाथ, क्यों, क्योंकि वहां पर जेड वन से जेड टू तक पहुंचने के लिए आपके पास इनफाइनाइट वे होते हैं। तो आप किस, अब अलग अलग वे होंगे सब, तो अब ऐसा नहीं कि आप किसी वे में इंटीग्रेट कर देंगे, हर अलग अलग पाथ के अलॉन्ग जाओगे अलग अलग आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए वो बोलेगा कि नहीं इसी पर्टिकुलर पाथ के अलॉन्ग ही आप इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, ऐसा यही अंतर है, यही अंतर समझिएगा आप लोग। चलिए आइए हम क्वेश्चन देते हैं इस पर और क्वेश्चन को करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सी, इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है, इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, नंबर फर्स्ट अलॉन्ग अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हैविंग, पहला है एलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हैविंग 0, 0, 3, 9 एज एज इंड पॉइंट्स, एज इंड पॉइंट्स,
एज इन पॉइंट्स। सेकंड नंबर एलॉन्ग वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स, एलॉन्ग वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स बिटवीन द, एलॉन्ग वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स बिटवीन द सेम पॉइंट्स, बिटवीन द सेम पॉइंट्स। ठीक है, देखो अभी ये क्वेश्चन दिया है, अब इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल, जैसे पहले क्वेश्चन को जब पहले अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर बोला है, और जो इस कर्व का एंड पॉइंट है वो क्या है, वो 0.0 है और 3.9 है कि नहीं? एंड पॉइंट रखेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 3 रखेंगे, y इक्वल टू 9 मिलेगा, तो वही पॉइंट आपको दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वही पॉइंट आपको दिया है। अब हमको ये इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, यहाँ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, x प्लस वाई डी एक्स है और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई डी वाई है, इस तरीके से है। यहाँ ऑलरेडी उसने जेड के टर्म में उसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया है, ध्यान दीजिए इसके बाद इंटीग्रेशन सी कुछ नहीं करना है, अब इसी कर्व का इस्तेमाल कर लीजिए, जहाँ वाई है वहाँ एक्स स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस का फिर एक्स स्क्वायर, और जहाँ वाई है वहाँ एक्स स्क्वायर। अब डी वाई की बात, तो यहाँ भैया इसको इंटीग्रेट कर लो, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी वाई इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स आपको मिल जाएगा, तो इंटू टू एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपको मिल गया इस तरीके से। ठीक है, अब सब कुछ चूंकि x में कन्वर्ट हो गया तो x की लिमिट 0 टू 3। अगर आप इसी को y में कन्वर्ट कर लेते, मतलब आप x के स्थान पे है ना, x को y के टर्म में रख देते, तो लिमिट आप 0 टू 9 कर देते। बात समझ में आ रही है? अगर आपने y को x के टर्म में लिख दिया तो लिमिट 0 टू 3 करेंगे, अगर आपने x को y के टर्म में लिख दिया लिमिट जो है 0 से 9 कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप उसी के टर्म में रखना रखने की कोशिश करेंगे, इसमें आप इजीली सॉल्व कर लें, इन्हें क्या x को y के टर्म में लिखने जाए, रूट में लेके जाए, आप इतना परेशान हो। बात समझ में आ रही है? तो सबसे आसान था कि y के स्थान पर आप x का रख दो वैल्यू, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट में लिख देता हूँ 0 टू 3 पर, सॉल्व काम कहानी खत्म, 0 टू 3 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यहीं पे इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, यह हो गया यहाँ से, प्लस यहाँ गए जाते हैं, यहाँ टू एक्स के पावर फाइव हो जाएगा, है ना, और टू एक्स पावर फाइव का इंटीग्रेशन एक्स पावर सिक्स बाई सिक्स, ये पूरा हो गया इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 टू 3 रख के सॉल्व कर दिए, काम खत्म। ऐसे ही सेम दूसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में क्या बोला है, वाई इज इक्वल टू 3x, दूसरे वाले इसी क्वेश्चन में जहां y वहां 3x रख दीजिएगा और लिमिट y x का 0 टू 3 कर लीजिएगा, कर लीजिए इसको पहले। अभी आपको फिर z रूट के टर्म में कुछ क्वेश्चन कराते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। तो देखिएगा, इवैल्यूएट इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस आई, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस आई एक्स माइनस का वाई प्लस का आई एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस का वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए पहला कोई इसमें पार्ट है, अलोंग द, किसके अलोंग इसको सॉल्व करना है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, along the straight line from z is equal to 0 to z is equal to 1 plus i. Number second, along real axis from z is equal to 0 to z is equal to 1 and then along a line parallel to imaginary axis, parallel to imaginary axis from z is equal to 1 to z is equal to 1 plus i. उसके बाद third है, along imaginary axis, imaginary axis from z is equal to 0 to z is equal to i and then along a line parallel to
रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इज इक्वल टू आई टू जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई। ये क्वेश्चन है, ठीक। देखिए अभी क्वेश्चन बहुत लंबा चढ़ा दिया बट है कुछ नहीं, आइए रख के सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करना है सॉल्यूशन इसका देखिए ध्यान से, समझने की कोशिश करिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट आपको पहले सॉल्व करना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड इज इक्वल टू जीरो टू जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे इधर हम x एक्सिस कर लेते हैं, यहाँ पे y एक्सिस। z इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, ओरिजिन, ये हो गया आपका z इज इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब जीरो, ठीक है ना। फिर z इज इक्वल टू वन प्लस आई का मतलब क्या है, z इज इक्वल टू वन प्लस आई का मतलब वन कामा वन, आर्डर पेयर में वन कामा वन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन कामा वन। इधर रूप में लिखते हैं ना, वन कामा वन मतलब वन प्लस वन आई, मतलब वन प्लस आई। तो वन कामा वन क्या होगा, यहाँ वन मान लेते हैं, ये भी वन मान लेते हैं, तो कहीं यहाँ पे हो जाएगा वन कामा वन, कि ये हो गया आपका जेड इज इक्वल टू है ना वन प्लस आई, ये जेड इक्वल टू वन प्लस आई, ठीक है। तो पहले जो आपको इसको इंटीग्रेट करना है किस लाइन के ला, जेड इज इक्वल टू जीरो टू जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई, इस लाइन के ला, मान लीजिए इसको मैंने ए नाम दे दिया, तो इस लाइन ओ ए के ला